मौसम एकदम झक्कास। ड्राइवर गाड़ी मंदिर तक लेके चलो। ओके सर, ओके सर। और वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं बट हमारी बोट फंस चुकी है। अरे रात का मुझे शेयर करना था आप लोगों से। कल रात को टेंट में सोने का मजा तो आया बहुत, और एकदम मस्त आवाजें आ रही थी जंगल में जैसी आवाजें होती, लेकिन ठंड बहुत थी भाई। कुल्फी जम गई थी रात को 3 बजे तक, लगा गलत डिसीजन ले लिया टेंट में सोने का। आज रात भी टेंट में ही सोऊंगा तो देखते हैं। सुबह के टाइम अच्छा लगा, जब भी धूप निकली ना तो थोड़ा गर्म हुआ, उससे पहले बहुत ठंड थी। तो दोस्तों आज का मेरा प्लान, आज हम लोग महाबलेश्वर सिटी में जाएंगे जो हिल स्टेशन है इधर का, वो यहाँ से कुछ 5 या 6 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर है। तो वहाँ जाएंगे और आपको मैं बताऊँगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोकल्स मशहूर हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उनका स्ट्रॉबेरी बहुत मशहूर है इधर की, स्ट्रॉबेरी क्रीम, वो सब आज देखेंगे। अगर कोशिश करूंगा आज ही कवर करूं, बाकी फिर मिलते हैं बाद में। मैं आप लोग को लेके जा रहा हूं अभी एक लेक की तरफ जो महाबलेश्वर की बहुत ही मशहूर लेक है। अप्पा साहेब महाराज ने बनाई थी वो लेक 1942 में, और उसका नाम है वेन्ना लेक। अप्पा साहेब महाराज सतारा स्टेट के राजा थे। चलो मैं आपको आज वो लेक दिखाता हूँ। उसके अलावा मैं आप लोग को आज यहाँ के और 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी पहले लेक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर की वेन्ना लेक में, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं आपको महाबलेश्वर के बारे में एक बात बताना चाहता था कि ये महाबलेश्वर नाम कैसे पड़ा। महाबलेश्वर नाम महादेव जी का एक मंदिर था जिसकी स्थापना यादवराज सिंगन ने, राजा जी थे यहाँ के, उन्होंने 13वीं शताब्दी में करी थी। कितनी ब्यूटीफुल चीज है। हो सकेगा तो मैं आपको महादेव मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू फॉर दैट बट स्टिल वी विल ट्राई फॉर इट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू वेन्ना लेक, तो लेट्स गो टू वेन्ना लेक। तो हम लोग पहुंच गए वेन्ना लेक, जैसे मैंने आपको बताया था। वो देखिए सामने हॉर्स राइडिंग हो रही है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है महाबलेश्वर का बहुत बड़ा। मास्क पहना है क्योंकि यहाँ पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो 500 रुपए का फाइन है भाई लोग। तो जो भी महाबलेश्वर आ रहे हैं प्लीज मास्क लेके आए साथ में। चलिए चलते हैं वेन्ना लेक की तरफ। बहुत ही खूबसूरत लेक है, मजा आ गया देख के। एकदम अच्छी लेक है, साफ सुथरा पानी, एकदम नीला नीला पानी है। बोटिंग हो रही है इधर, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट। और पीछे देखिए पहाड़ है छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया लेक है ये। चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल वेदर है और ब्यूटीफुल नजारा है और सुंदर लेक है मेरे पीछे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। अभी बोटिंग के लिए टिकट लेने गए हैं हमारे दोस्त, तो बोटिंग स्टार्ट होती है तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ।
मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं। ये है आपकी मोटर वाली, ये है आपकी पैडल बोट, पैडल बोट, और एक आती है रोइंग बोट। तो चलिए चलते हैं बोटिंग में। तो ये हम लोग आ गए हैं बोटिंग में। ये हम लोग ने पैडल बोट ली है जिसमें 6 लोग अलाउड है। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 600 रुपये लगे हैं 1 घंटे के, और 300 रुपये लगते हैं आधे घंटे के। इसमें मैक्सिमम 6 लोग ही अलाउड है। मास्क पहनना जरूरी है। अभी मैंने खाली पानी के बीच में आ गया हूँ तो मास्क निकाला है ताकि आप लोगों से बात कर सकूं। बाकी बोटिंग का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, हवा भी ठंडी चल रही है। लेट्स सी बगैर डूबे हम लोग वापस तक पहुंच जाते कि नहीं। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन लोग बोट चला रहे हैं। एक मिनट, मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ में जो आए हैं मेरे सब कुलीग्स हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। तो सबसे पहले नम्रता, आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं ऑफिस इन लोग के साथ आई हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और ये हमारे हरजीत भाजी जो बोट भी चला रहे हैं अपने प्यारे प्यारे पैरों से। बोलो भाई जी, कैसे हो? अपने बारे में बताओ हरजीत भाजी। बस ठीक हूँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, महाबलेश्वर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको महाबलेश्वर? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है हमारी स्वर्णा, कैसा लग रहा है मौसम? कैसा लग रहा है इधर का? बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हो। 2 दिन से आए हम महाबलेश्वर में। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं अभी पीछे जाता हूँ, ये हमारी है प्रनीशा। हाय, कैसी है प्रनीशा? पहली बार आया आप महाबलेश्वर प्रनीशा? नहीं, एक बार आ चुकी। कैसा अभी दूसरी बार, कैसा क्या चेंजेस लगे आपको? क्या चेंजेस लगे आपको महाबलेश्वर में? पहले से अच्छा हुआ है कि कोविड में? चलो हमारी प्यारी प्रीति पाल। बोलो बोलो प्रीति, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर बोटिंग? ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लग रही है यहाँ पे। मुंबई से तो बेटर ही है, मुंबई से ही बेटर है। वेरी गुड वेरी गुड। मौसम एकदम झक्का। वाह, दिल चाहता है कि यहीं रुके, दिल चाहता है। और ये देखिए, ये हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। मेरा पानी में मोबाइल नहीं गिरना चाहिए बस। और वो सामने मंदिर है, हमारा टारगेट है। मैं ड्राइवर, गाड़ी मंदिर तक लेके चलो। ओके सर, ओके सर, ओके सर। बताया था बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है, ऊपर ओम लगा हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर। और ये हम लोग ये किनारे पे आए हैं और वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी बोट फंस चुकी है। तो लेट्स सी हाउ विल गो बैक। टकराने वाली है इधर से। चलो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैं अभी आ गया हूँ महाबलेश्वर की लोकल मार्केट में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लोकल मार्केट है और यहाँ पर मतलब छोटा मोटा सामान सब मिलता है, जूते चप्पल खाना पीना, इधर की सुविनेर्स, तो ये सब यहाँ पर मिलते हैं लोकल मार्केट में। तो दोस्तों, अभी जैसे भी मैंने आपको बताया, महाबलेश्वर की मार्केट बहुत ही अच्छी है। यहाँ से मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदी है अपनी बेटी के लिए, शूज़ लिए हैं और कुछ ऐसे ही छोटी छोटी आइटम्स ली हैं। और आज दोपहर का खाना हम लोगों ने डोसा प्लाजा में खाया है, अच्छा खाना था। हम लोगों ने पनीर मखनी, दाल फ्राई और रोटी, राइस, ये सब खाया। नाइस प्लेस, मस्ट विजिट, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग आइए महाबलेश्वर में, घूमिए फिरिए, मज़ा करिए और इन्जॉय करिए। ये यहाँ की मार्केट है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट और छोटे छोटे आइटम्स मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़दीक से दिखाने के लिए। जाता हूँ मैं उधर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये लकड़ी के कुछ आइटम हैं, डमरू है, डमरू आपको दिख रहे होंगे, वो जो बम बम भोले के टाइम बजाते हैं हम लोग। लकड़ी के कुछ गिफ्ट्स है, मतलब गिफ्ट आइटम जैसे होते हैं लकड़ी में। यही सब चीजें मिलती हैं इधर, और क्या। अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मजा लीजिए आप मार्केट का। गारमेंट शॉप्स हैं यहाँ पर। वही डमरू आ गए दूसरी दुकान पे भी, वही सब चीजें हैं, सेम चीजें हैं सब जगह, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। ये देखिए नजदीक से देखिए, लकड़ी के ज्यादा आइटम्स हैं,
अब वो पता नहीं यहीं बनते हैं, लोकल बनते हैं या बाहर से आते हैं, वो मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मिरर है, ये ओम बने हुए हैं लकड़ी के, वो जो की चेंज की होल्डर्स होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था, वो पॉइंट्स मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आप सभी से अलविदा कहता हूँ, और बहुत ही जल्द अगले वीडियो से आपके समक्ष आऊँगा। तब तक धन्यवाद।